साथियों, एससी एसटी ओबीसी भाइयों और बहनों के साथ दशकों तक भेदभाव करने वाली कांग्रेस आजकल एक पुरानी रिकॉर्ड बजा रही है। जब भी चुनाव आता है, संविधान के नाम पर झूठ बोलना ये इंडिया अलायंस के सब साथियों की फैशन बन गई है। वो कांग्रेस जिसने बाबा साहब के जीते जी उन्हें चुनाव हरवाया, जिसने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिलने दिया, जो वो कांग्रेस जिसने देश में आपातकाल लगाकर संविधान को खत्म करने की कोशिश की, आज वो मोदी को गाली देने के लिए संविधान के नाम पर झूठ की आड़ ले रही है। ये मोदी है जिसने देश में पहली बार संविधान दिवस मनाना शुरू किया। ये कांग्रेस वालों ने संविधान दिवस मनाने का विरोध किया था, पार्लियामेंट में भाषण है उनका। या बाबा साहब का ये अपमान है कि नहीं है? संविधान का अपमान है कि नहीं है? इतना ही नहीं, ये मोदी है जिसने बाबा साहब से जुड़े पंच तीर्थों का विकास किया। इसलिए बाबा साहब और संविधान का अपमान करने वाले कांग्रेस और इंडिया अलायंस के झूठों से, उनकी गप्पबाजी से सावधान रहने की जरूरत है। और कांग्रेस वाले सुन ले, ये 400 सीट की बात देश की जनता ने इसलिए की है कि आपने 10 साल पार्लियामेंट में मुझे अच्छे काम करने के लिए रोकने की लगातार कोशिश की है, और इसलिए देश आपको कांग्रेस को सजा देना चाहता है और साफ कर देने का मन बना लिया है। और जहां तक संविधान का सवाल है, आप मान के चलिए और मोदी के शब्द लिख के रखिए, बाबा साहब आंबेडकर खुद आ जाए तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते हैं। हमारा संविधान सरकार के लिए गीता है, रामायण है, महाभारत है, बाइबल है, कुरान है, ये सब कुछ हमारे लिए हमारा संविधान है। साथियों,